रणवीर जिलाधिकारी के रूप में अपराह्न में मैंने ज्वाइन किया है, और इससे पहले जिलाधिकारी के रूप में अन्य जो जनपदों में मेरा कार्यकाल रहा है उसमें प्रयागराज, आगरा, मथुरा, चंदौली, अमरोहा, इन सभी ज़िलों में भी जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार मैंने ग्रहण किया था, वहाँ पर भी कार्य किया है। जनपद आजमगढ़ में भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि एज ए टीम हम सभी लोग फंक्शन करें और प्रयास करें कि यहाँ पर जो शासन की योजनाएं हैं उन्हें धरातल तक उतारा जाए, सभी जो हमारे पात्र व्यक्तिगण हैं उनको सभी को शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे। इसके अतिरिक्त जो हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल के फोरम्स हैं वहाँ पर जो भी एप्लीकेंट्स आते हैं किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर आते हैं उन सभी समस्याओं का निदान त्वरित गति से और गुणवत्तापूर्वक हो इस चीज़ को अभी सुनिश्चित किया जाएगा। विकास के जो कार्यक्रम जनपद में चल रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों को किस प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और एडिशनल इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स किस प्रकार से जनपद के प्रशासन में या विकास के कार्यक्रमों में की जा सकती है उसके ऊपर भी ज़रूर काम किया जाए। कैडर कौन सा रहा है, किस बैच के आप अधिकारी? जी मैं 2011 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और यूपी कैडर का अधिकारी हूँ। सर आजमगढ़ में ये समस्या राजस्व को लेकर आती है कि तमाम ऐसे अपनी